हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डैश जेड अकेडमी से मैं मोहम्मद आफताब आलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक शानदार, जानदार और आपके काम की वीडियो। और ये वीडियो है 12वीं क्लास के बच्चों के लिए जिन्होंने एग्जाम देना है अप्रैल सन 2020 के अंदर या फिर अक्टूबर सन 2020 के अंदर, और पेपर कोड ले रखा है 336 यानी कि 336, और 12वीं क्लास में डाटा एंट्री ऑपरेशन का सब्जेक्ट फिल कर रखा है और इसका एग्जाम देना है। तो ऐसे बच्चों को 60 नंबर में प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, उसे जमा करवाना है अपने स्टडी सेंटर पर, और सभी बच्चों को जो है ये बनाना कंपलसरी है। टीएमए के मिलते हैं 20 नंबर और प्रैक्टिकल के मिलते हैं 60 नंबर, इसलिए डाटा एंट्री के अंदर टीएमए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रैक्टिकल। और आप लोगों को प्रैक्टिकल अच्छे से मिल जाए, अच्छे से आप उसे बनाकर अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवा दें और आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाए, तो आप लोगों की मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाकर दे दिया है। और पूरा का पूरा प्रैक्टिकल डाटा एंट्री का हिंदी मीडियम में मैंने सॉल्व कर दिया है। बस आपको करना ये है कि एक प्रैक्टिकल की फाइल लेके आनी है, कॉपी लेके आनी है, और उसको सुंदर सुंदर राइटिंग में इस प्रैक्टिकल फाइल को उसमें उतार देना है। बस इतना सा काम करना है और आप लोगों को मिल जाएंगे पूरे 60 में से 60 मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो के अंदर मैंने पूरे 10 के 10 प्रैक्टिकल दिए हैं और 10 ही आपको बनाने हैं। चाहे आपकी प्रैक्टिकल बुक के अंदर 15 दे रखे हों, 20 दे रखे हों, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको 10 प्रैक्टिकल सॉल्व करना है और 10 के 10 मैंने इस वीडियो में सॉल्व कर दिया है। और इस वीडियो को मैं आप लोगों को पीडीएफ के रूप में भी दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को इतना वायरल करना है कि इस वीडियो को 200 लाइक मिल जाएं। जैसे वीडियो को 200 लाइक मिलेंगे मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन जब तक आप इस वीडियो को देखकर अपना प्रैक्टिकल बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको सभी अक्षर अच्छे से दिखाई दें। ऊपर यहां पर क्वेश्चन दिया गया है और नीचे दे दिया है आंसर, तो आप इसे उतार लीजिए। प्रैक्टिकल 2 स्टार्ट हो गया है। फोल्डर का उपयोग क्या है या फोल्डर क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं, आप विंडो में एक नया फोल्डर कैसे बना सकते हैं, तो इस तरीके से हमने इसके स्टेप लिखे हैं, आप उतार लीजिएगा। वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि जो है वीडियो वायरल हो सके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिल सके, जिससे कि मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकूं। आप लोगों के लिए हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं, और एग्जाम टाइम में अगर आपको चाहिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, तो उसके लिए भी आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, जिससे कि सभी चीज़ें आप लोगों को टाइम पर मिल सकें। प्रैक्टिकल 3 स्टार्ट हो गया है, उतार लीजिए। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है और इसका पीडीएफ आपको चाहिए अर्जेंटली है, आप वीडियो में से देखकर डायग्राम वगैरह नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर आप इसका पीडीएफ परचेज कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके लिए आपको छोटा सा इंटरनेट चार्ज देना होगा, वो ये रहा, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको आपके व्हाट्सएप में इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कोशिश कीजिए कि वीडियो देखकर आप बना लें, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा आप वीडियो देखकर बनाएंगे तो थोड़ा उसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप उसको अच्छे से बना पाएंगे और पढ़ पढ़ कर बना पाएंगे, और किसी भी तरह की कॉपी करने की उसमें गुंजाइश नहीं होगी, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। प्रैक्टिकल 4, प्रैक्टिकल 5 पूरा का पूरा मैंने इसमें सॉल्व कर दिया है। आपको कोई ऐसा नहीं है कि मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, पार्ट 3 बनाऊंगा, कुछ ऐसा मसला नहीं है। आपको मैं पूरे के पूरे प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस इसमें दे रहा हूं विद आंसर।
ये वीडियो आपको दाइजेड एकेडमी वालों की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रैक्टिकल 9, आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह की मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए। अगर आपको किसी तरह की कोई भी असुविधा हो रही हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, तो नीचे आप जो है कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगा। भगवान से प्रे करूंगा कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएं, कोई भी बच्चा जो है कंपार्टमेंट ना आए और कोई भी बच्चा फेल ना हो। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा तो उसके लिए एक बार फिर से आप लोगों का शुक्रिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।